नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ये जो पुलिस वेरिफिकेशन है, ये कैसे होता है। आप ट्रेनिंग सेंटर पर रहोगे, पुलिस आपके घर कैसे जाएगी, डिपार्टमेंट से आपसे जो भी डिपार्टमेंट से लोग जाएंगे वो आपका वेरिफिकेशन किस तरीके से करेंगे, इसमें आपके मम्मी पापा का क्या महत्व रहेगा, उनको क्या करना होगा, ठीक है। और जैसे जो अटेस्टेशन फॉर्म आया है, अटेस्टेशन फॉर्म में भी कई तरह के ऑप्शन वहाँ पूछे गए हैं, किसी के ऊपर कोर्ट केस चला है, नहीं चला है, या फिर जिसके ऊपर कोर्ट केस चला था फिर पेंडिंग है, अभी तक पेंडिंग है, या फिर किसी का क्लोज हो गया है, इसके बारे में उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ऐसे। तो उसमें आपको एस और नो, एस नो, एस ऑप्शन करना होता है। तो ये सारे जो भी डाउट्स है आपके, ये आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जो भी है ऑनलाइन आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा या ऑफलाइन बनवाना पड़ेगा या फिर दोनों बनवाने पड़ेंगे, कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए और आपको बार बार कमेंट्स करने की, एक ही कमेंट बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि आपका जो भी ट्रेनिंग सेंटर में आप जाओगे, ट्रेनिंग सेंटर में आप जाने के बाद आप वहाँ पे ज्वाइन करोगे, आपका ट्रेनिंग वहाँ पर चलता रहेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये समझिए, आपका ट्रेनिंग वहाँ पर चलता रहेगा और जो भी डिपार्टमेंट होता है वो आपका वेरिफिकेशन करने के लिए, आपका कैरेक्टर किस तरीके से है, आपके ऊपर कोई पुलिस केस चल रहा है, आपने कोई मर्डर कर रखा है या कोई और ऐसा क्राइम कर रखा है जो कि मतलब बड़ा क्राइम है, ऐसा कोई क्राइम आपने कर रखा है, तो ये वेरीफाई करता है कहीं आप क्रिमिनल तो ना हो। ये सब वेरीफाई करने के लिए डिपार्टमेंट क्या करता है कि उनके यहाँ से एक अपना जो भी आप डिटेल्स वहाँ पे भरते हो कि अपना जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे एक लेटर भेजता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट से आपका जो भी ट्रेनिंग सेंटर रहेगा, ट्रेनिंग सेंटर से वहाँ पे एक लेटर जाएगा। वहाँ पे लेटर जाने के बाद क्या है, जिस पुलिस स्टेशन के अंडर आपका जो भी तहसील, गाँव वगैरह जो भी आप रहते हैं, जहाँ रहते हो वो वाला क्षेत्र उस जिस पुलिस स्टेशन के अंडर आता है वहाँ पर जाएगा और वहाँ के जो पुलिस वालों से वो मांगा जाता है कि भाई ये बंदा आपके एरिया का है, इस गांव का है, यहाँ का रहने वाला है, तो इसका कैरेक्टर किस तरीके का है, इसका मतलब इसने कोई क्राइम तो नहीं कर रखा है इसने, या और कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रखा है जिससे, जिसका मतलब जो भी है मतलब वो क्या बोलते हैं उसमें क्राइम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसके रिकॉर्डिंग जो भी है इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन से मांगी जाती है ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा आपके, ठीक है। आप उधर ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। आप उधर आपका ट्रेनिंग चल रहा है, सुबह शाम भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, ठीक है। आप अपना ट्रेनिंग अच्छे तरीके से कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता कब चलेगा, ठीक है, जैसे ये लेटर आपके घर मतलब वो पुलिस स्टेशन में जाएगा तो वहाँ से पुलिस आपकी वेरीफाई करेगी, जो भी आपके गाँव में जो उनका, आपको पता ही है पुलिस के जो भी हेयर वगैरह होते हैं, या फिर पुलिस अगर उस गाँव के बारे में अच्छे से जानती है, जिसको जानती है उसको फोन करके, इनके पास ऑप्शंस होते हैं, या तो उनको गांव वाले में जिसको जानते हैं उसको फ़ोन करेंगे, या फिर उनके जो भी हेयर वगैरह होते हैं उनको फ़ोन करके कॉल करके उनसे जानकारी लेंगे। अगर उन्होंने अच्छी बातें बता दी या फिर हाँ भाई लड़का अच्छा है तो वो सब उस तरीके से रिपोर्ट बनाएंगे आपकी, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो भी उनका ऑनलाइन जो है वो होता है, आजकल ऑनलाइन हो गया है सब, नाम डालने से आपको पता चल जाता है, ठीक है। आपको पता ही है अगर FIR होती है तो आजकल पहले ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन होने से क्या है, उसमें आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाता है, आपका नाम डालने से सब आ जाएगा कि भाई ये इस गांव का है बंदा है, या फिर ये नाम का कोई है और इसने कोई क्राइम कर रखा है या नहीं कर रखा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। पहले तो वो लोग पुलिस वाले वो वेरीफाई करते हैं, उसके बाद फिर जो है आपका गाँव में अगर कोई उनका जो रहता है संबंधित जानकारी वाले जो भी होते हैं वो रहते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, या फिर क्या करते हैं कि अपने जो भी माता जी, आपके जो माता पिता रहेंगे, मम्मी पापा जो भी यहाँ पर रहने वाले, आप जिसके साथ रहते हो वहाँ पर गाँव में, तो वो उनको बुलाएंगे, पुलिस स्टेशन बुलाएंगे, ठीक है। वो इस तरीके से होता है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो वो उनको बुलाएंगे, फिर उनको बताएंगे ये सब वेरीफाई करने के बाद, ठीक है। ये सब वेरीफाई जब हो जाता है, ये सब वेरीफाई होने के बाद वो आपके माता पिता को बुलाएंगे पुलिस स्टेशन, फिर उनको बोलेंगे। कई कई जगह ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। कई कई जगह क्या होता है, माता जी पिताजी को बुलाते भी नहीं है, सीधा वो अपना वेरीफाई करके सीधा लेटर वापस भेज देते हैं जहाँ से वो लेटर उन जिनको भेजा जाता है, ठीक है। तो मेरे साथ जो हुआ था मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो है माता पिता को बुलाते हैं, फिर उनको बताते हैं कि भाई आपका लड़का ऐसा वैसा ये है वो है। अब ये किस लिए बुलाते हैं आप समझ लेना, ठीक है। अब उनको पता चल जाता है कि ये लड़का नौकरी पे लग गया है, अब वो माता पिता को कई जगह बुलाते हैं कि भाई हाँ देखो आपके लड़के का ये कैरेक्टर मांगा गया है, ऐसा मांगा गया है,
अब आप इसका अच्छा करना चाहते हो तो फिर इतना इतना पैसा दे दो, ठीक है। ये आपको पता ही है, हर जगह चलता है, इतना इतना पैसा चाहिए दे दो, हम अच्छा अच्छा लिख के भेज देंगे, नहीं तो फिर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा हर जगह होता है, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है, ठीक है। तो वो कई जगह बुलाते भी नहीं है, तो मेरे यहाँ बुलाया गया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर वो उस तरीके से जो भी अपना रिपोर्ट बनाते हैं, लड़का कैसा है क्या है, और वो रिपोर्ट तुरंत वापस भेज देते हैं, ठीक है। अब वो रिपोर्ट आपको वापस जाएगी अपने ट्रेनिंग सेंटर में, ठीक है, जहाँ से वो आया था वहाँ पर, और वहाँ पे फिर वेरीफाई होगा, हाँ भाई लड़का ठीक है, तो आपका वेरीफिकेशन वहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपको उसके बाद पूरी जिंदगी या फिर कभी किसी को उसकी इसकी दिक्कत नहीं होगी वेरीफिकेशन की, ठीक है। ये आपका पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। और जिसका अगर वेरीफाई करने के बाद कोई क्रिमिनल केसेस है, कोई किसके ऊपर केस चल रहा है, कुछ और चीज़ है, ये सब पता चल जाता है, तो वो भी चीज़ें आपको जो भी है पुलिस वाले वो ट्रेनिंग सेंटर में भेज देते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे पाई गई है इस लड़के के खिलाफ, तो वो सीधा वहाँ पर भेज देते हैं। और वो केस आने के बाद अपना ट्रेनिंग सेंटर में जो भी वो कमिटी होती है वो डिसाइड करती है कि वो केस इसके ऊपर, लड़के के ऊपर चल रहा है, वो किस तरीके का है। मतलब ऐसा कोई क्या बोलते हैं उसमें, जामीन पात्र अजामीन पात्र होता है ना, मतलब जिसमें बेल मिलती है ऐसा क्राइम, जिसमें बेल नहीं मिलती ऐसा क्राइम, तो ऐसे दो क्राइम होते हैं उसमें वो जो डिसाइड करते हैं कि इसको अगर इसमें रखना है या फिर नहीं रखना है। अब उनको लगता है कि ये बड़ा क्राइम में कोई इन्वॉल्व है या फिर ऐसे कोई चीज़ें ये कर रखा है, तो आपको जो है सीधा आपको वो वहाँ से डिसमिस कर देंगे, घर भेज देंगे, ठीक है। फिर आप घर भेज देने के बाद मान लो फिर कैसा किसी का, किसी का ऐसा कोई सीन भी है, क्राइम भी इसने कर रखा है, अब मान लो इसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, हो सकता है वो निर्दोष भी हो उसमें, उसकी कोई गलती ना हो। अब मान लो आप घर जाते हो, घर जाने के बाद फिर डिपार्टमेंट आपको डिसमिस नहीं करेगा, आपको ऐसा करेगा कि भाई जाओ पहले केस लड़ लो, वो क्लियर करके आ जाना। अब मान लो उसमें आप दोषी पाए गए तो फिर आप नौकरी भूल जाओ, अगर आप निर्दोष उसमें पाए गए तो फिर आप वापस आके तुरंत ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर डिपार्टमेंट, और फिर कई जगह क्या होता है ऐसे डिसमिस करने के बाद डिपार्टमेंट लेने से इनकार कर देता है, तो वो लोग क्या करते हैं कोर्ट केस कर देते हैं, और कोर्ट केस करने से उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, तो हो सकता है वो जो फिर कोर्ट केस जीतने के बाद वो नौकरी भी मिल जाती है, ऐसे केसेस होते हैं। लेकिन ये बहुत लंबी प्रोसीजर है, ठीक है, मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है, ठीक है, ये होगी चीज़ें। अब आते हैं हम लोग जो अटेस्टेशन फॉर्म में है, मम्मी पापा का भी मैंने रोल बता दिया क्या है क्या नहीं, आपके मम्मी पापा को वहाँ पर बुलाया जाता है। अब आपको मम्मी पापा को बुलाया जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ मेरे घर में मतलब मेरा जो भी है वेरिफिकेशन हो गया है। अभी कई कई जगह क्या होता है कि पुलिस वाले सीधा गांव में जाते हैं, आपके घर जाते हैं, वहाँ पे पूरा वेरीफाई कर लेते हैं, अगल बगल से थोड़ी सी पूछताछ करते हैं, वो ऑनलाइन तो चेक करते ही है लेकिन ये भी थोड़ा सा अगल बगल पूछताछ करके आपका लेटर भेज देते हैं। कई कई जगह नहीं जाते पुलिस वाले, ठीक है, ये भी होता है। तो जिनके घर मतलब ऐसे पुलिस वाले या फिर जिनके घर वालों को पुलिस वालों ने बुलाया जाता है, या फिर पुलिस वाले जिनके घर जाते हैं उनको पता चल जाता है कि मेरा वेरिफिकेशन हो गया, और जिनके घर ना तो पुलिस वाले जाते हैं ना तो उनके मम्मी पापा को बुलाया जाता है, तो उनको पता नहीं चलता है, ठीक है, अपना वेरिफिकेशन हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन ये सारी प्रोसीजर जो आपका ट्रेनिंग 1 साल का होता है, तो 1 साल के ट्रेनिंग के अंदर ही ये सारी प्रोसीजर हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी चीज़ें। अब आते हैं हम लोग अटेस्टेशन फॉर्म के ऊपर। अब अटेस्टेशन फॉर्म में क्या होता है दोस्तों, कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे मुझे कि जिनके ऊपर पड़ोसी ने फर्जी केस कर दिया, उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, केस भी सॉल्व हो गया, उसमें वो लोग निर्दोष पाए गए, सब रफादफा हो गया, मामला सब खत्म हो गया। अब आता है अटेस्टेशन में ऑप्शन आता है आपका कि अगर आप किसी केस में सम्मिलित हो, मतलब आप किसी केस में ऐसे इन्वॉल्व हो, आपके ऊपर कोई FIR हो रखा है, तो आप उसके ऊपर सीधा नो लिखिए, ठीक है, उसके सामने जो लिखना होता है SO नहीं लिखना होता है, तो आप सीधा नो लिखिए, क्योंकि केस रफादफा हो गया, फर्जी केस हो गया। आपको पता ही है अगर केस होता है तो वो अगर छोटे मोटे मामले पुलिस वाले भी सीधा डायरेक्ट FIR नहीं करते हैं, जो मतलब आपस में सुलझने वाले मामले होते हैं, फर्जी केस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मेरे ऊपर भी एक फर्जी केस किया था मेरे पड़ोसी ने, जैसे उसको पता चल गया कि भाई ये लड़का लग गया नौकरी पे, तो उसको होता है ना थोड़ा सा जलन जैसा, तो वो हो गया, तो वो फिर मामला ऐसे थोड़ा सा गर्म हो गया था, बातचीत हो गई थोड़ी बहुत, तो उसने केस कर दिया कि भाई इसने मेरे को मार दिया, ऐसा किया वैसा किया, ऐसा फर्जी केस कर दिया। अब वो पुलिस वालों को पता रहता है ऑलरेडी, उनको पता है वो क्या होता है, आपको बता दूँ। अब मेरे उसमें FIR और NCR ऐसे दो दो ऑप्शन होते हैं, तो पुलिस वाले ऐसे छोटे मोटे जो मामले होते हैं उसमें डायरेक्ट FIR नहीं करते हैं, ठीक है, तो सीधा NCR लिखते हैं, तो NCR में ऐसा कुछ मतलब ज़्यादा बड़ी इशू वाली बात नहीं होती है, वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। फिर बाद में हमारा वो मामला भी सॉल्व हो गया, तो मेरा जो भी ऑप्शन आया था उसमें मैंने नो नो टिक कर दिया था। अब मैं उस बंदों के लिए बता दूँ कि जिनके ऊपर पुलिस केस ऑलरेडी चल रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, तो भाई वो ज्वाइनिंग लेटर आप ठीक से पढ़ लेना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके ऊपर कोई पुलिस केस चल रहा है तो आपको जो जो RTC मिला है, आपको ट्रेनिंग सेंटर जो मिला है वहाँ पे आपको पहले सूचित करना पड़ेगा, ठीक है। वो तो ध्यान से पढ़ लेना, उसमें लिखा है ज्वाइनिंग लेटर में साफ साफ कि आपको जो अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, गंभीर गुनाह है जिसे बोलते ना हम, गंभीर कोई क्राइम है,
तो उसमें अगर आप इन्वॉल्व हो, भले ही आप निर्दोष हो, कुछ भी हो, वो बाद की बात है, लेकिन आपको पहले जो भी है आपके डिपार्टमेंट को या फिर अपने आरटीसी को, जो पे आपका ट्रेनिंग होने वाला है, उनको सूचित करना होता है। ठीक है, आप चाहे तो बाय पोस्ट जाके सूचित कर सकते हो अप्लीकेशन लिख के, या फिर जाके तुरंत सीधा जाके वहाँ पे मिल सकते हो, वहाँ पे अप्लीकेशन दे सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो भी ऐसे केस में इन्वॉल्व है वो लोग। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और अगर कोई जो भी है ऐसा जिनको मतलब केस में इन्वॉल्व हो रखे थे और उनका अभी सॉल्व हो गया है, तो उनको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी ऑप्शन आएगा सीधा नो 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 करके लिख के चले जाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये मैं आप लोगों को बता दूँ कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी कोई चीज़ हो, अगर आप सरकारी नौकरी पे लग गए हो, तो आप तक तब तक आप दोषी नहीं हो जब तक आपको कोई कोर्ट सजा ना दे। ठीक है, ये छोटे मोटे मान लो आपके ऊपर FIR भी हो गई, कुछ भी हो गया, लेकिन कोर्ट ने अगर आपको सजा नहीं दी, मतलब आप निर्दोष हो, आपके ऊपर कोई कुछ कोई क्राइम नहीं है, आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हो, और आपको कोई पुलिस केस या फिर कोई भी पुलिस रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप चले जाना, नो नो टिक करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोषी कब मानता है डिपार्टमेंट हो या फिर कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो, सरकारी जो भी है जहां आप ज्वाइन करते हो या फिर सरकारी नौकरी करते हो, वो आपको दोषी कब मानता है, जब आपके ऊपर केस हो रखा है, पुलिस केस हुआ है, उसके बाद कोर्ट के सामने आप पेश हुए हो, कोर्ट में आपको सजा मिली है, कुछ भी हो, चाहे फिर 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, ठीक है, 10 दिन, या फिर कोई पैसे का जुर्माना, ये सब चीजें अगर हो रखी है, तब आपको जो भी है आपको मतलब आप दोषी हो, मतलब आपके आपके ऊपर पुलिस केस मतलब फाइल है, या फिर आप जो भी है आपने क्राइम कर रखा है, तब तक आप दोषी नहीं हो जब तक आप कोर्ट सजा नहीं देता है। अगर मान लो आपने कोर्ट ने सजा दी दी, आप दोषी हो फिर। ठीक है, आपको ये चीज़ें पहले क्लियर करनी पड़ेगी भाई। अगर आपको कोर्ट ने कोई सजा दे रखी है, तो आपको पहले कोर्ट में ट्रेनिंग सेंटर में जाके ये सब बताना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को? तो यही बातें मेरे को आज के इस वीडियो में क्लियर करनी थी। अब उम्मीद है मेरे को आपके सारे पॉइंट्स शायद क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की जो भी आपके डाउट्स है वो डाउट्स को क्लियर करने की। अगर फिर भी कोई डाउट्स बचते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर वहाँ पे आप मैसेज करो। मैसेज पढ़ता हूँ मैं, हर किसी को रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि 100 लड़के हैं, 100 लड़के मैसेज करते हैं, 100 के मैसेज सेम होते हैं। अब किस 100 के 100 मैसेज सेम है लगभग, मतलब देखो अभी 400-500 लड़के अगर मैसेज कर रहे हैं, तो उसमें 100 लड़के ऐसे कि जिनका सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट को कितने 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 लड़के को बताओ यार मैसेज करूँगा, बताओ कितने कितने को रिप्लाई करूँगा। तो मैं ऐसे चीज़ों पे वो वीडियो करता हूँ। अब ये देखो, ये पुलिस स्टेशन का ये जो सारा 100 लड़के के मैसेज थे ऐसे, अब उस पर वीडियो लेके आया हूँ। अब वो लोग बोलते हैं कि यार रिप्लाई नहीं करता, यार पॉसिबल नहीं है, आप लोग खुद समझो। इतना टाइम 100 लड़के को अगर मैं रिप्लाई करूँगा, 300-400 लड़कों के मैसेजेस है, उन सबको टाइप करके रिप्लाई करूँगा, तो मेरे को कितना टाइम लगेगा यार? और भी काम होते हैं, ड्यूटी होता है सब। अभी मैं जस्ट आया हूँ और आपको ये वीडियो बनाना मेरे को थोड़ा सा ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने आपको वीडियो बना के अभी अपलोड करूंगा बाद में। ठीक है, तो ये मेरे को अभी बनाना जरूरी लगा, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे आपके डाउट्स हैं, आप कर रहे हो कि भैया जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक वीडियो देते रहो। ठीक है, तो थोड़ा आप भी बात को समझाया करो, भले ही आप कमेंट्स करो, मैं कमेंट देखता हूँ, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। और ऐसा कोई भी पॉइंट्स नहीं है आपका, नहीं छूटेगा, कोई भी डाउट नहीं छूटेगा, ये मेरे वीडियो के ऊपर आप चैनल के ऊपर आप जाके देख लेना, सारे डाउट के ऊपर आपको पॉइंट वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी बात आप भी समझा करो। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।